So today I'm really excited because I'm going to show you all the accessories that I've installed in my Urban Cruiser, Toyota Urban Cruiser. Basically, I've made a list of these accessories which you can also install. Over there, बहुत सारी accessories आ जाती हैं, ये लगवा लो, वो लगवा लो, बहुत सारी unnecessary चीज़ें भी होती हैं. तो मैंने एक अपनी लिस्ट बनाई जो मैंने इंस्टॉल करवा रखी है और कुछ मेरे को इंस्टॉल करवानी भी है. तो फिलहाल मैं उनकी बात करता हूँ जो ऑलरेडी लगवा चुका हूँ. स्टार्ट करेंगे हम गाड़ी के एक्सटीरियर से. क्या क्या मैंने एक्सेसरीज लगवाई हैं, इनमें से कुछ फीग्लोड एक्सेसरीज हैं, कुछ मैंने सेफ्टी के पर्पज से लगवाई हैं. टू स्टार्ट विथ, ये है व्हील आर्क क्लैडिंग. ना ये व्हील आर्क क्लैडिंग है, ये मैंने कंपनी से लगवाया. ये डोर एज गार्ड्स हैं. बेसिकली इसका पर्पज क्या है, आप डोर खोलते हो, कहीं पर एक वॉल है या कोई और व्हीकल खड़ा है, साइड से डोर टच होकर यहाँ से पेंट चिप ऑफ हो जाता है. तो दिस हेल्प्स इन दैट. 200-300 रुपये की एक्सेसरीज है, थोड़ा सा ये महंगा है. ये मैंने कंपनी से डलवाया. ये दोनों मेरे सेफ्टी के एक्सेसरीज हैं. साथ में मैंने बम्पर प्रोटेक्टर्स लगवाए हैं. ये एक यहाँ पे पैर है और आगे यहाँ पे एक पैर है. नो दिस इज रियली हेल्पफुल एज यू कैन सी. थोड़ा क्लोजअप में आके यहाँ पे मेरे स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, ये मेरी ही गलती से हुआ था. एज यू कैन सी दी स्क्रैचेस, तो इससे मेरा बम्पर बच गया. ये कंपनी से ही मैंने लगवाया है. ये मैंने सेफ्टी के हिसाब से एक्सेसरीज लगवाए. एंड दिस इज फॉर एस्थेटिक्स. दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद द सेफ्टी पार्ट. ये मैंने सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए इंस्टॉल करवाया. कार्बन फाइबर क्लैडिंग है. ये दोनों ORVMs के लिए है. आपका जो सेंटर में यहाँ पे IRVM है उसको भी, उसके लिए भी क्लैडिंग दे रखी है. कार के साइड्स पे यहाँ पे दिया हुआ जो कि बहुत सुंदर लगता है. दिस एंड दिस यहाँ पे दिस पार्ट. तो बेसिकली दीज आर द एक्सेसरीज विच हैव इंस्टॉल्ड. ये सारी मैंने कंपनी से ही इंस्टॉल करवाई हैं. ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था, तो आई गॉट दिस इंस्टॉल्ड. अब आ जाते हैं अंदर. लेट्स गो इनसाइड. कम इनसाइड, आई विल शो यू द फर्स्ट बेस्ट एक्सेसरी विच आई एम गोइंग टू रिकमेंड टू यू गाइज इज दीज आर 7D मैट्स. एज यू कैन सी काफ़ी गंदा हुआ हुआ है. इसका पर्पस ही यही है, ये यहाँ से डिटैच हो जाता है सो दैट यू कैन क्लीन दिस पार्ट. ये पूरा यहाँ से 70 मैट निकल जाता है. आई थिंक 4,500 रुपये की एक्सेसरी है 70 मैट्स. बहुत सही रहते हैं, ये ऑटो फॉर्म के थोड़े से एक्सपेंसिव पड़े. अदरवाइज 4,500 और 3,500 के आसपास की रेंज में मिल जाते हैं. दिस अ वेरी गुड एक्सेसरी. एक और बहुत छोटी सी क्यूट सी चीज़ रखी है मैंने, एक क्लीनिंग ब्रश. ये जो ब्रश है मेरे AC के वेंट्स को क्लीन करने में हेल्प करता है, लाइक दिस. तो ये एक मैंने ब्रश मंगवाया था नेक्स्ट का, आई थिंक 120-130 रुपये का है अमेजोन से. एंड आई ऑलवेज कीप अ माइक्रोफाइबर टॉवल टू की क्लीन माई डैशबोर्ड ऑल द टाइम. द डिस्प्ले, द डैशबोर्ड, एवरीथिंग उसके लिए रखा है. और अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर मैंने सुगंध के लिए परफ्यूम लगाया है. ये इन्वॉल्व वालों का, ये हालांकि स्पॉन्सर्ड नहीं है भाई, मैं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूँ, बट देन आई गॉट दिस इन्वॉल्व का परफ्यूम. कौन सा फ्लेवर है, लेट मी चेक. एक्वा है ये इन्वॉल्व का. आई गॉट दिस एक्वा थिंग फॉर माई सेल्फ. अगर आप एक परफ्यूम नहीं रखना चाह रहे हो तो आप एसेंशियल ऑयल्स ले सकते हो. ये एक ऑयल का बॉटल गया था, ये खाली हो चुका है. इसमें बेसिकली क्या करना है आपको, जब आपके बॉटल में ऑयल है आपको इसको टिल्ट करना है. टिल्ट करने के बाद ये जो पार्ट है ना, दिस ऑल गेट्स वेट. उसके बाद आप बॉटल को नीचे छोड़ दो, ये सारा वेट हो जाता है वुडन पार्ट. तो पूरी कार में ऑयल की स्मेल होती है, विच इज़ वेरी गुड. और एक ये बेल, ये मेरी फेवरेट पार्ट है इस कार का, क्योंकि जब भी मैं बम्पर से निकलता हूँ या कहीं भी ऑफ रोडिंग होती है, टर्न लेता हूँ, तो एक घंटी बजती है, बहुत सूदिंग लगती है. अब बात करते हैं मेरे सीट कवर्स की. ये सीट कवर्स मैंने इंस्टॉल करवाए हैं. ये कंपनी से मैंने जेन्युइन सीट कवर्स लगवाए हैं. ऑलवेज कीप दैट इन माइंड इफ यू आर गेटिंग योर सीट कवर्स इन्वॉल्व्ड. तो कंपनी से ही लगवाओ. उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, जो फिटिंग आती है ना कंपनी के सीट कवर्स की, तो आफ्टर मार्केट आप कितना भी ट्राई कर लो, कुछ भी कर लो, वो मज़ा नहीं आता जो फिटिंग का. इसमें कंपनी के सीट कवर्स में मज़ा आता है. आ जाओ इधर, आ जाओ. दिस इज़ द रियर पार्ट. ये सीट कवर्स मैंने कंपनी से ही फिट करवाए. As you can see the fit and finish. These are the 70 mats. Again ये पूरी तरह remove हो जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है.
तो ये कुछ एक्सेसरीज मैंने बहुत मिनिमलिस्टिक सी लगवाई हैं। ये हुक लगाया था 3 kg का, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। अब बूट पे आ जाते हैं, पूरा वीडियो एंड तक देखना, आपको बोनस की 2-3 चीज़ें और बताने वाला हूँ। एक ये 3D मैट है, ये पूरा, ये देखो नीचे मेरा कारपेट बिल्कुल क्लीन पड़ा है। क्लीन होने की वजह क्या है, ये 3D मैट रखा है, प्लास्टिक का मैट है, ये वॉश हो जाता है सारा सामान मेरा। ये कार का शैम्पू है मेरा, कोलीन है, एंड दिस इज़ अ वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर RNG एको का मैंने लिया है। हाउ इज़ इट, अगर आप जानना चाहते हो तो मैं इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, कमेंट करके बताना, देन आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस वैक्यूम क्लीनर। इट कम्स इन क्वाइट हैंडी फॉर मी, मैं इसको अक्सर यूज़ कर लेता हूँ। पार्सल ट्रे कंपनी ने मुझे दी थी। तो बेसिकली ये एक्सेसरीज मैंने लगवाई अपनी गाड़ी में। एक्सेसरीज लगवाने के साथ साथ एक चीज़ आपको मैं बोनस ही बता देता हूँ, वो ये, आई थिंक 5,000 के आसपास की एक्सेसरी है। तो कार लेने के टाइम पे द कार डीलर टोल्ड मी कि सर आपका मैं इंश्योरेंस क्लेम ऐड करवा देता हूँ, सो दैट इफ एनीथिंग हैपेंस टू योर क्लैडिंग तो वो आपको क्लेम मिल जाएगा। यानी कि कई बार आपको पता करना रहेगा व्हेन यू आर बाइंग अ कार, हो सकता है व्हील्स जो हैं आपके अलॉय व्हील्स, ये भी क्लेम में कवर ना हो रहे हो व्हील, अलॉय व्हील्स का डैमेज। तो मेक श्योर आप अपनी इंश्योरेंस जान लो, और आप जो जो एक्सेसरीज लगवा रहे हो, जैसे एक्सेसरीज ये भी थोड़ी सी महंगी पड़ती है, तो आप इनको इंश्योरेंस में कवर करवा लो। थोड़ी सी कॉस्ट एक्स्ट्रा बढ़ जाती है फॉर एक्सेसरीज, बट आई थिंक इट इज़ वर्थ डूइंग। और एक बहुत अच्छी चीज़, ये रेन वाइजर्स, ये रेन वाइजर्स मैंने लगवाए, वो प्लेन ब्लैक भी थे, बट देन इसमें जो क्रोम का फिनिश था, आई थिंक 700-800 रुपये महंगा था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्रोम पार्ट, बट आई रियली लाइक्ड इट। तो मैंने फिर ये इंस्टॉल करवा दिया। इट इज़ रियली हेल्पफुल, जब बारिश हो रही है थोड़े से विंडो रोल डाउन करोगे, क्योंकि आपके बटन सारे इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बटन है, सो इट डजंट गेट वेट। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज। अब आ जाते हैं कार चार्जर के ऊपर। जैसे ही हम गाड़ी खरीदते हैं लोग सोचते हैं यार एक कार चार्जर ले लो, पर मैंने अभी तक कार चार्जर नहीं खरीदा। कंपनी ने यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है, एज यू कैन सी यहाँ पे USB पोर्ट है। इस USB पोर्ट की डिसेंट स्पीड है, अभी तक हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं, हम दो लोग ही ट्रैवल करते हैं, वी डोंट नीड एन एक्सटर्नल पोर्ट, एक्सटर्नल चार्जर, इसी पोर्ट में हम अपना केबल लगाते हैं, अपना फ़ोन चार्ज कर लेते हैं। ओरिजिनल केबल यूज़ करोगे तो चार्जिंग बेटर होगी, इफ़ यू आर यूजिंग अ सब स्टैंडर्ड केबल तो चार्जिंग विल स्लो डाउन अ बिट। तो यही थी मेरी एक्सेसरीज जो मैंने कार में इंस्टॉल करवाई। अभी तक मैंने और कुछ इंस्टॉल नहीं करवाया, बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में हैं जो मुझे इंस्टॉल करवानी हैं, विच आई विल गेट देम इंस्टॉल बिफोर डूइंग अ लॉन्ग ट्रिप। अभी मेरी कोई लॉन्ग ट्रिप नहीं बन रही है, लॉन्ग ट्रिप का मतलब है 10-12 दिन की ट्रिप हो। तो यही था आज के वीडियो में, आपको मैंने बता दिया, अगर आप एक्सेसरीज लगवा रहे हो जनरल लगवाओ फर्स्ट, सेकंड थिंग एक्सेसरीज मेक श्योर अगर आप हो सकता है इंश्योरेंस में कवर करवा लो, सो दैट अगर आपको कोई एक्सेसरी डैमेज भी होती है आपको उसको, क्योंकि आप एक्सेसरी अगर मैं ये जो मैंने पार्ट लगवाया हुआ है आफ्टर मार्केट लेके, दिस पार्ट आफ्टर मार्केट कह रहा हूँ, दिस एक्सेसरी जो मैंने कंपनी से लगवाई है कार्बन फाइबर, अब मैं उनको बोलूँगा कि मुझे भाई राइट ओवर VM का मेरा ख़राब हो गया, वो तो वो नहीं देंगे, वो पूरा सेट देंगे, सेट इज़ गोइंग टू बिट एक्सपेंसिव, सो इट इज़ बेटर यू क्लेम योर इंश्योरेंस, इसको अपने इंश्योरेंस पर ऐड करवाओ। सो दिस वॉज इट इन टुडेज वीडियो, इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।